हमारे यहाँ आंगनवाड़ी का जो संगठन है वो 25 साल से है सीटू का, और अभी हमारा जो लड़ाई चल रही थी न्यूनतम वेतन के लिए वो लगातार 1.5 साल से हमने एकदम संघर्ष जारी रखे, और लास्ट टाइम अभी जनवरी में ये 18 में दूसरे भी छोटे छोटे संगठन बन गए हैं मध्य प्रदेश में, उनके साथ में बात करके उनको इकट्ठा किया, और उसके बाद में हमने 1 महीने में 3 आंदोलन किए, जो एक कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया आंदोलन करके, दूसरा कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन दिया 12 तारीख को फरवरी में, और फिर उसके बाद में राज्य स्तर पे महापड़ाव किया विधानसभा में 2 दिन का 27-28 फरवरी को, और वो संयुक्त किया, संयुक्त मंच के माध्यम से किया, और उसका प्रभाव ये रहा कि माने महिला बाल विकास मंत्री ने बात करने के लिए बुलाया मांग पत्र पे, और उसके बाद चर्चा होने के बाद में फिर मुख्यमंत्री ने भी बुलाया 10 मार्च को, और फिर उसमें ही उन्होंने बोला कि न्यूनतम वेतन देने की बात बोली, और रिटायरमेंट पे कुछ एकमुश्त राशि देने की बात भी बोली उन्होंने, और हमारी मांग थी कि हमको 65 साल किया जाए रिटायरमेंट पे, तो उसके लिए भी बोले कि विचार करूँगा। फिर 29 मार्च को उन्होंने फिर एक हमारी संयुक्त मीटिंग बुलाई, और उसमें उन्होंने न्यूनतम वेतन देने की बात कही और 62 साल करने की बात कही रिटायरमेंट पे, और रिटायरमेंट पे कुछ देने के लिए एकमुश्त राशि देने की भी बात करी, और फिर उन्होंने 8 अप्रैल को महापड़ाव की घोषणा की, और उसके बाद में उसको फिर सरकारी जो है कार्यक्रम में बदल दिया उसको। उसमें उन्होंने घोषणा की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपया मानदेय देंगे, और सहायिका को 5,000 रुपया, और उसके साथ में 62 साल रिटायरमेंट की उम्र, और एकमुश्त 1,00,000 रुपया कार्यकर्ता को रिटायरमेंट पे, और सहायिका को 75,000 रुपया रिटायरमेंट पे देंगे, और कार्यकाल में मृत्यु होने पे 2,00,000 रुपया कार्यकर्ता को देंगे, और उसकी बेटी यदि अप्लाई करती है तो 10 अंक उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और हमारा मुख्य जो था कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, और जब तक नहीं देते तब तक न्यूनतम वेतन दो, तो न्यूनतम वेतन का वादा करने के बाद भी उन्होंने न्यूनतम वेतन नहीं दिया, और मानदेय बढ़ोतरी की है, पर यह है कि मानदेय बढ़ोतरी हमको 5,000 कार्यकर्ता को और सहायिका को 2,500 रुपये मिल रहा था, तो उसको जस्ट डबल कर दिया है, तो उससे कार्यकर्ताओं में एक खुशी तो है, लेकिन ये भी है कि नहीं, हमें न्यूनतम वेतन की बात बोली थी तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, और उसके लिए हमारी आगे लड़ाई जारी रहेगी, न्यूनतम वेतन और कर्मचारी का दर्जा और पेंशन के लिए हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी।